नमस्कार दोस्तों, कार में यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यूज, रिव्यूज और अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। बने रहने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी पुश के लिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको पता लग सके। दोस्तों, महिंद्रा के पास कमी थी दो गाड़ियों की और वो पूरी कर दी। अर्टिगा और इनोवा के बीच की गाड़ी चाहिए थी उनको, तो वो मराजो ले आए। और एंडेवर और फॉर्च्यूनर से टक्कर करने के लिए उनके पास अल्टुरा G4 अब उनके पास है। अब क्या है कि सब 4 मीटर में कॉम्पैक्ट SUV चाहिए उनको, जिसकी कमी वो पूरी कर सकें। अभी वैसे तो उनके पास TUV भी है 300, लेकिन थोड़ी सी प्रीमियम लुक में गाड़ी चाहिए उनको, जो कि वाकई इस कमी को पूरा कर सके उनके लिए। तो दोस्तों, इस गाड़ी के लिए उन्होंने S201 को शामिल किया है। आज उसके बारे में बात करते हैं कि वो गाड़ी कैसी है और क्या गाड़ी के अंदर खासियतें हैं। बेसिकली अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि XUV300 उसका नाम रखा जाएगा, लेकिन परसों यानी कि 19 दिसंबर को उसकी ऑफिशियल नामकरण होगा कि वो गाड़ी क्या होगी, क्या नाम है उस गाड़ी का। चलिए दोस्तों, आज उस बारे में बात करते हैं कि वो गाड़ी कैसी रहेगी। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम S201 यानी कि इसका कोड नेम ही है। अब इसके बारे में दोस्तों बातें ये हैं कि पहले विदेशों में गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी के डायमेंशन की पहले तो बात करूँ। डायमेंशन उसकी 4202 mm उसकी लंबाई है, जिसको कि घटा के 399 के बीच में रखना पड़ेगा, 999 के बीच में सॉरी, ताकि सब 4 मीटर के बेनिफिट उठा के टैक्स बेनिफिट्स उठा सके और एक प्राइस टैग कम्पिटिटिव हो सके, जिसके कारण ये बाकी गाड़ियों से मुकाबला कर सके, जैसे कि ब्रेजा, इकोस्पोर्ट और नेक्सन। जो अब गाड़ी चल रही है इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारे सेफ्टी पैक हैं और 4x4 के साथ वो आती है गाड़ी। हो सकता है कि 4x4 तो यहाँ ना आए प्राइस को थोड़ा कम्पिटिटिव रखने के लिए, लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म मोनोकॉक प्लेटफॉर्म के साथ आ रही है और प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वही प्लास्टिक और बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आएगी जो पहले विदेशों में चल रही है, जैसे कि अल्टोरस के साथ किया गया। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और खुल के बात करें तो फीचर्स के मामले में बेस्ट इन क्लास और फर्स्ट इन क्लास कई सारे फीचर्स के अंदर शामिल होंगे, लेकिन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, LED DRLs, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, उसके साथ ही साथ सनरूफ की ऑप्शन भी आ सकती है और सबसे बड़ी बात 7 एयरबैग तक की ऑप्शन इसमें आ सकती है। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके साथ अगर हम सेफ्टी पैक की बात करें, सेफ्टी पैक बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंटेन किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो बाकी गाड़ियों में तो अभी आ भी नहीं रही, जैसे हिल होल असिस्ट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, EBD, 7 एयरबैग, फर्स्ट इन क्लास हो सकते हैं ये। और अगर दोस्तों अगर डिस्क की बात करूँ तो चारों डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर होगी, चारों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स होंगी, जो बहुत अच्छी बात है। और पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे डायनेमिक लाइंस के साथ, जो पार्किंग कैमरा होगा 360 डिग्री कैमरा होने की भी इसमें गुंजाइश बन रही है। जो अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं तो फर्स्ट इन क्लास काफ़ी सारे फीचर्स होंगे और सेफ्टी के साथ ये बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश कर पाएगी। अगर दोस्तों इंजन की बात करूँ तो ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ आने की इसमें गुंजाइश है। मैं पहले पेट्रोल की बात करता हूँ, 1.2 लीटर का G80 इंजन इसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन आएगा, जो 3 सिलेंडर होगा, 100 BHP की पावर, 145 Nm की टॉर्क के साथ ये जनरेट करेगा। अगर माइलेज की बात करूँ दोस्तों, ये 17 से 20 के बीच की एवरेज हमें निकाल के देगा। और अगर हम मैं डीजल की बात करूँ, डीजल में वही 1.5 लीटर का मराजो वाला इंजन ही इसके अंदर डाला जाएगा, जो कि 120 BHP की पावर देगा 3500 RPM के ऊपर, 21 से लेकर 23 की एवरेज इसके अंदर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी एवरेज इसके अंदर मिल जाएगी हमें। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा बातें करें इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की, जो अब गाड़ी चल रही है उसमें दोस्तों 4202 mm इसकी लेंथ, 1798, 1590 इसकी हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 167 mm के करीब है, जो कि इसको अभी थोड़ा सा बड़ा बना देता है टैक्स बेनिफिट्स के लिए। थोड़ी और छोटी इसको करनी पड़ेगी जब इंडिया के अंदर आएगी। टर्निंग रेडियस दोस्तों इसका 5.3 मीटर का है, जो इस सेगमेंट के लिए ठीक ठाक सा ही है। और इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो 70% हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो थोड़ा हल्का भी है और मजबूत भी है, जो कि यहाँ भी वही गाड़ी के जो बिल्ड क्वालिटी है वही यहाँ पे आएगी। मल्टीविजन, मल्टी कलर इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल आएगा, वेंटिलेटेड सीट्स, 60-40 स्प्लिट हो सकती हैं। जो रियर कैमरा जो मैंने बात कर रहा था, मैं डायनेमिक लाइन के साथ आएगा,
और जो बैक साइड का एंगल है बैक सीट का यानी कि रियर सीट का, उसको रिक्लाइन भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। बॉक्सी डिजाइन के होने के कारण इस गाड़ी को पूरा यूटिलाइज हम कर सकेंगे। ग्लास एरिया बहुत अच्छा है इसका अभी देखने में, और जो इसका बूट एरिया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि इसका डिजाइन बॉक्सी है। अब दोस्तों अगर लास्ट में बात करें कि ये क्या 4x4 में भी आएगी, मेरे हिसाब से 4x4 में नहीं आएगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्राइस की तरफ देखें तो इस सेगमेंट जो गाड़ियां आ रही हैं 7 से लेकर 10 या 10.5 लाख रुपए तक गाड़ियां चल रही हैं। सबसे महंगी इनमें इको स्पोर्ट है, वो भी 4x4 में नहीं आ रही, तो 4x4 मेरे हिसाब से आने की गुंजाइश कम बनती है। लेकिन 4 डिस्क ब्रेक आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी एस क्रॉस में चल रही है इस सेगमेंट में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ HID हेडलैम्प्स, तो वो थोड़ा सा कट हो जाएंगे इसके अंदर से, सेफ्टी पैक काफ़ी सारा कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी काफ़ी सारी फीचर्स के साथ बहुत अच्छे सेगमेंट में और बहुत अच्छी बेस्ट इन क्लास या फर्स्ट इन क्लास कई सारे फीचर्स लेके हमारे सामने आएगी, जो कि इस गाड़ी के लिए थोड़ा यूजफुल भी होगा। काफ़ी देर से आ रहे हैं लेकिन अगर ये फीचर्स लेके आएंगे तो थोड़ा अलग ये गाड़ी अपनी पहचान बना पाएगी। अगर दोस्तों इसकी लॉन्च की बात करूँ मैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने नामकरण बताया आपको कि परसों हो जाएगा इसका, तो लॉन्च मेरे हिसाब से ये फरवरी के लास्ट या फरवरी के मार्च के 15 या 16 तारीख तक हो जानी चाहिए, जैसे कि अंदाजन ये गाड़ी इन चीज़ों इन दिनों में लॉन्च की हो जाती हैं। मराजो अल्टोरस, अब इस गाड़ी का आना क्या शुभ संकेत हैं महिंद्रा के लिए वो तो दोस्तों थोड़े दिनों बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन ये गाड़ी जैसे अगर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वैसी निकली तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया गाड़ी हमारे सामने पेश की जाएगी। हाँ, डिज़ाइन की अगर बात करूँ, डिज़ाइन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये डिज़ाइन अपने फ़ोटोज़ देख ली होंगी, तो डिज़ाइन मेरे हिसाब से ठीक है इस गाड़ी का। वैसे भी महिंद्रा की डिज़ाइनिंग लैंग्वेज अच्छी खासी है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग है। उम्मीद करता हूँ ये गाड़ी अच्छा कर पाए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक।